हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कंवर प्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दही के बारे में। इसका सेवन किस तरह के इंसान को जरूर करना चाहिए, मोटे ताजे इंसान को या दुबले पतले इंसान को, तो आज इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, दही की तासीर गरम तर है, इस बात को हमेशा याद रखें। अब जो लोग बहुत दुबले पतले हैं, जिनका वजन आइडियल वेट से कम है, ऐसे लोगों का शरीर वात प्रकृति का होता है और जो वात वाले होते हैं उनको गरम तर चीजों का सेवन करना होता है। जो एक मोटा ताज़ा इंसान होता है उसका शरीर कफ प्रकृति का होता है और ऐसे लोगों को गर्म खुश्क चीज़ों का सेवन करना होता है। अगर ऐसे लोग गर्म तर चीज़ का या दही का सेवन करेंगे तो इससे उनका वज़न बढ़ेगा, इससे उनका वेट बढ़ेगा। अगर वात वाले दुबले पतले लोग दही का सेवन करेंगे तो फिर ये उनकी वायु का शमन करेगी, वेट तो उनका भी बढ़ाएगी, लेकिन उनको अपना वेट बढ़ाने की ज़रूरत होती है। और जो कफ दोष वाला इंसान है, जिसका शरीर पहले ही लंबे चौड़े डील डॉल वाला है, जो एक मोटा ताज़ा इंसान है, उसको दही का सेवन कभी कभार शौक के लिए कर लेना चाहिए, स्वाद के लिए कर लेना चाहिए। जिस इंसान का शरीर गर्म प्रकृति का हो, जिन लोगों का पित्त दोष बढ़ा हुआ हो, ऐसे लोग दही का सेवन कभी कभार शौक के लिए करें, स्वाद के लिए करें, लेकिन रूटीन में इसका सेवन नहीं करें, क्योंकि दही की तासीर भी गर्म है और पित्त दोष वालों को ठंडी चीज़ों का सेवन करना होता है। दही जो सबसे बढ़िया है वो वात वालों के लिए है, क्योंकि ये वात का शमन करता है और कफ और पित्त को बढ़ाता है। तो आगे आपकी मर्जी है, अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।